नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज फैच में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान से एक बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक खबर आ रही है, बहुत ही बुरी खबर है। आइए दोस्तों बताते हैं कि खबर है क्या। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान में पिछले एक हफ्ते में 3 बहुत बड़े धमाके हो चुके हैं, बहुत बड़े हमले हो चुके हैं। अभी जैसे कि पिछले हफ्ते की बात है, तो एक हमला इनका ग्वादर पोर्ट पर हुआ था, जो एक अटैक हुआ था और उसमें इनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान सहना पड़ गया था। फिर उसके बाद कल एक इनके जो नेवल बेस है, नेवल बेस जो इनका दूसरा सबसे बड़ा नेवल बेस है बलूचिस्तान में, वहाँ पर एक अटैक हुआ और इनको बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ। उसमें भी इनके सैनिकों का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ और इनको काफ़ी मशीनों का नुकसान हुआ, मतलब आर्थिक नुकसान भी है और साथ में शारीरिक नुकसान भी हुआ है। और उसमें 6 बलूचिस्तान के जो अटैकर्स थे उनको बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की सेना ने मार गिराया है। अब मार गिराया या नहीं गिराया ये तो अभी भी श्योर नहीं है, क्योंकि पहले तो पाकिस्तान की सेना कहती 5 लोग आए थे और हमने 5 लोगों को मार गिराया, फिर बाद में उन्होंने कहा कि 6 लोग आए थे और हमने 6 को मार गिराया। अब क्या पता कि अभी और भी हैं या नहीं है, अब उस पर बात तो नहीं अभी करी जा सकती है, वो तो बाद में ही पता लगेगा कि कितने थे। और इसके बाद एक आज एक बहुत ही घातक हमला हो गया है। दरअसल पाकिस्तान का एक इलाका है खैबर पख्तूनवा करके, जो उसकी जो राजधानी वो पेशावर है, वहाँ पर एक चाइनीज़ कंपनी एक डैम बना रही थी। उस डैम का नाम है दासू डैम। अब दोस्तों, उस दासू डैम को चाइना का जो सीपैक प्रोजेक्ट है उसके तहत बनाया जा रहा है और ये काफ़ी टाइम से उसको बन रहा है और वहाँ पर चाइनीज़ इंजीनियर्स लगे हुए हैं काम करने में। तो चाइनीज़ इंजीनियर्स को पाकिस्तान का एक ड्राइवर लेकर जा रहा था बस से, चाइनीज़ इंजीनियर्स थे और कुछ लोग थे। एक वहाँ पर कहीं से गाड़ी आई और वो आत्मघाती हमलावर थे उसमें, वो गाड़ी उनकी बस से जाकर टकरा जाती है और वो पूरी देखते ही देखते जो बस होती है वो खाई में जाकर गिर जाती, आग लग जाती है। और बताया जा रहा है कि 5 चीनी जो इंजीनियर्स थे वो तो तुरंत मर गए, बाकी और कुछ लोगों को हॉस्पिटल वगैरह ले जाया गया है जहाँ पर उनका इलाज अभी जारी है। अभी देखते हैं कि वो मतलब उसमें कितने लोग बसते हैं, कितना क्या होता है। आपको बता दें कि ये जो दासू डैम है 2021 में भी यहाँ पे एक हमला हो चुका है और उसमें भी चाइनीज़ इंजीनियर्स ही मारे गए थे। उसके बाद चाइना इतना ज़्यादा पाकिस्तान से नाराज़ हो गया था कि उसने इस प्रोजेक्ट को बिल्कुल बंद कर दिया था, काफ़ी टाइम तक इसमें कोई काम ही नहीं किया था। चाइना के जो इंजीनियर्स थे यहाँ पर काम करने के लिए रेडी नहीं थे बिल्कुल भी। फिर चाइना ने अपने जो भी इंजीनियर्स थे उनके लिए पाकिस्तान से बोला कि ये लोग एक AK-47 अपने पास रखेंगे राइफ़ल को और फिर काम करेंगे। तो लिटरली पाकिस्तान के जो लोग हैं वो इसको रखते थे अपने पास हथियार को और उसको अपने हिसाब से काम करते थे, फिर उसको रखते हुए अपनी सुरक्षा के लिए। लेकिन ये सब वो पाकिस्तान में काम नहीं देता है, क्योंकि पाकिस्तान में लिटरली प्योर आतंकवादी हैं, उसमें कोई मिलावट नहीं है। आप कुछ भी रखिए अपने पास, उनको अपने को मालूम है कि हमें तो मरना है, हम आपको तो मार ही देंगे। ये पाकिस्तान के उन मिलिटेंट्स की, उन आतंकवादियों की सोच है। तो इनको उन्होंने वैसे ही निपटा दिया। इनको वो आत्मघाती हमलावर थे, आए इनके गाड़ी से अपनी गाड़ी को लड़ाया, खुद तो मर गए, इनको भी मार दिया। अब देखना ये होगा कि चाइना की तरफ से क्या रिएक्शन आता है, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आएगा वो पाकिस्तान के लिए भी अच्छा नहीं होगा, जो अब चाइना का रिएक्शन आएगा। अब आपको बता दें कि ये जो प्रोजेक्ट है अब ये फिर ये लटक जाएगा काफ़ी टाइम के लिए, ये रुकना ही रुकना है, क्योंकि अब चाइना इस पर कुछ एक्शन कर लेगा, हो सकता है पाकिस्तान के ऊपर कुछ पेनाल्टी भी लगा दे, क्योंकि चाइना ने पहले भी पाकिस्तान से कह रखा था कि हमारे जो भी नागरिक हैं उनको आप अच्छे से सिक्योरिटी दीजिए, लेकिन पाकिस्तान वो सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर पाया, क्योंकि अब इनके इंजीनियर्स ही मर रहे हैं। तो सोचिए, इस कंपनी के जब लोग काम ही नहीं करने आएंगे पाकिस्तान में तो ये डैम कंप्लीट कैसे होगा। और मुझे नहीं लगता कि अब ये इंजीनियर्स इतनी आसानी से यहाँ पे आने के लिए रेडी होंगे, क्योंकि पहली बार अटैक हुआ था तब तो पाकिस्तान को समझाया चाइना ने और उनको भेजा अपने इंजीनियर्स को पाकिस्तान में काम करने के लिए, लेकिन इस बार फिर से अटैक हो गया है और ये अटैक कभी भी हो सकता है, तो वो तो कुछ पता नहीं। और ये अटैक की अभी तक किसी भी ग्रुप ने जिम्मेदारी नहीं ली है, और ऐसे 2021 में भी जब यहाँ पर अटैक हुआ था उसकी भी किसी ग्रुप ने जिम्मेदारी नहीं ली थी, जबकि कल जो नेवल बेस पे अटैक हुआ उसकी जिम्मेदारी लोगों ने ले ली, बलूचिस्तान के जो फाइटर्स हैं उन्होंने इसकी जिम्मेदारी ली है।
अब देखना ये है दोस्तों कि इससे जुड़ी हुई और क्या खबर आती, जो भी अभी इसमें डेवलपमेंट आएगी मैं उसमें आपके लिए एक अपडेटेड वीडियो लेकर आ जाऊँगा। धन्यवाद।